उदयपुर में हुई कत्ल की उस वारदात ने कन्हैया के घरवालों से लेकर राज्य और देश के सियासत करने वाले तक को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। कन्हैया के घरवालों ने इंसाफ की गुहार लगाई है और कन्हैया की पत्नी का रो रो कर इस वक्त बुरा हाल है। लेकिन ऐसे हालात में भी सियासी लोगों ने इस सुलगती हुई चिंगारी पर अपने हक की रोटी सेकने का सिलसिला बंद नहीं किया है। घर पे यहाँ मैं नहीं आए, दुकान पे आ रहे थे, बता रहे थे धमकियां मिल रही, धमकियां मिल रही। ये रोती बिलखती आवाज उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल की पत्नी यशोदा है, जो अपनी सांस टूटती आवाज में बार बार इंसाफ की गुहार लगा रही है। दिल्ली गवर्नमेंट को कहने दो, मारे बाबा ने मारिया बनाने, फांसी दो, फांसी साया, बस फांसी दे दो, दूसरों को ही फांसी दे दी, बस आप सब ने आरु दो आरु दो दे फांसी दो, बस। कन्हैया लाल के घर पर मातम पसरा है। चीख पुकार के बीच आस पड़ोस के लोग भी बंदोबस्त की तरफ इंसाफ की हसरत से देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस हत्याकांड के बाद से माहौल पूरी तरह से सियासी आग से सुलगने लगा है। इस मौके पर हर कोई घटना की निंदा तो कर रहा है, लेकिन अपने सियासी नफे नुकसान को ध्यान में रखते हुए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उदयपुर में जो हिंसा हुई है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन इस बीच में कानून की दुहाई देकर उन्होंने अपने हक की सियासत करने का ये मौका हाथ से जाने भी नहीं दिया। राजस्थान में उदयपुर है, शायद वही जगह है, आपको याद होगा कि एक शख्स ने एक बंगाली लेबर को जो मुसलमान था उसका भी वीडियो बनाकर उसको इसी तरह हैक किया, फिर उसको जलाया। तो ये वाकयात इस बात को बताते हैं कि रेडिकलाइजेशन कैसा फैल रहा है इस देश में। उधर जम्मू कश्मीर में उदयपुर की घटना के बाद लोगों ने जमकर इसका विरोध किया और प्रदर्शन तक किया, यानी अब गुस्सा धीरे धीरे सड़कों का रुख करता दिखाई दे रहा है। दूसरे सियासी दलों ने भी जमकर उदयपुर की घटना की निंदा की और दोषियों को कड़ी सजा की वकालत भी की। कौन सा जहर घोल दिया गया है बीते कुछ वर्षों में यहाँ के माहौल में, यहाँ की फिजा में, वातावरण में, ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा। वायलेंट स्पॉट्स इन इंडिया, क्यों ये स्पॉट्स बन रहे हैं, क्या वजह है? आसान है, मैं कह सकता हूं पुलिस का फेलियर है, फलानी जगह चल ना साहब, हर गली हर घर में पुलिस ही रोक देगी, हमारा फर्ज कुछ नहीं बनता है। इस्लाम के नाम पर किए गए कत्ल की इस वारदात ने मुस्लिम नेताओं को भी भीतर तक झकझोर दिया है। अब उनके पास सिवाय इस घटना की भर्त्सना करने के कुछ भी नहीं बचा। ये इससे न सिर्फ हमारे मजहब इस्लाम का सर झुका है, बल्कि लाखों और करोड़ों मुसलमानों के जज्बात भी मजरूह हुए हैं कि एक इस्लाम का नारा लगाकर इस तरीके का जो काम और एक तरीके की जो वहशियाना अमल किया गया है, ये कतई तौर पर किसी भी सूरत में इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। कन्हैया की निर्मम हत्या के बाद से ही राजस्थान में हालात तनावपूर्ण हो गए, लिहाजा कानून बंदोबस्त को बनाए रखने के लिए राजस्थान में 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। सभी जिलों में धारा 144 लगा दी गई और पुलिस की तमाम छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कुल मिलाकर चौकसी बढ़ा दी ताकि गुस्से में आकर लोग कानून को अपने हाथ में न ले सके। आज तक ब्यूरो।